बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टिप्स। स्टूडेंट, आज के सिलेक्शन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 मैथमेटिक्स 9th आर्ट्स ग्रुप और यूनिट नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम कुछ फार्मूलाई या कोई डेफिनेशन जो है उसको चेक कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज करना हमारे लिए आसान हो। तो यूनिट नंबर 7 जो है उसका नेम है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये इस चैप्टर को हमने डिस्कस करना है। अदाद के जमी और ज़रबी सिलसिले, अदाद के जमी और ज़रबी सिलसिले अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस अदाद का सिलसिला कैसा होता है? अदाद का सिलसिला, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल की मदद से यहाँ पे चेक करते हैं कि ये कोई नमूना जात पैटर्न दिया हुआ है हमें 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। नंबर 2 एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 1, 1/2, 1/4 और 1/8 और 1/16। तो ये एक अदाद का सिलसिला दिया गया है, सीक्वेंस है। इसको हम सीक्वेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में सिलसिला बोलते हैं। एक और इसका नाम है प्रोग्रेशन भी, हम सीक्वेंस को बोलते हैं। तो सीक्वेंस का एक और नाम है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन या इसको हम बोल सकते हैं सीक्वेंस सिलसिला, प्रोग्रेशन भी सिलसिला होता है। तो अगर हमारे पास इस टाइप से कोई टर्म लिखी हो, रकमें लिखी हों, नंबर्स लिखे हों, तो हम ये कहते हैं सीक्वेंस है। इसमें कोई साइन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, प्लस माइनस का कोई भी साइन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसको कोमा की मदद से हम लिखते हैं और इस तरह जारी होती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं ये एक सीक्वेंस है। या इसको अगर आपने डिफाइन करना है तो ऐसे कह सकते हैं, अददी सिलसिले को प्रोग्रेशन कहते हैं। सिंपल सा अगर डिफाइन करना है तो ऐसे भी हम इसकी तारीफ़ कर सकते हैं। जो अदाद के सिलसिले होते हैं जिसमें प्लस माइनस का कोई साइन नहीं लिखा जाता, उसको हम कहते हैं कि ये एक प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, सिलसिला है ये अदाद का। तो इसका हर नंबर जो है वो टर्म्स कहलाती है, रुकन कहलाता है। मसलन 1 एक टर्म है, 3 टर्म है, 5 टर्म है, 7 और 9 एक टर्म है, ये सिलसिला कहलाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती हैं। नंबर नेक्स्ट है फाइनाइट एंड फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये फाइनाइट जो है इसको हम बोलते हैं महदूद सिलसिले। महदूद सिलसिले और दूसरा जो है गैर महदूद। सिलसिले
महदूद सिलसिले और गैर महदूद सिलसिले। महदूद सिलसिले क्या होते हैं, जिसमें हमें कोई ऐसी सीक्वेंस या ऐसी ऐसा सिलसिला दिया जाता है जिसका एंड वाला नंबर हमारे पास मौजूद हो। जैसे जैसा कि यहाँ पे ये मेरे पास है, इसकी मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 6 20 है और ये इसकी एग्जांपल जो है 2 4 6 जारी। ये एक एग्जांपल लेता हूँ आसान सी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, ये 20 पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब ये महदूद है। हमें पता है कि इसके 20 तक नंबर है, जैसी भी इसकी सीक्वेंस बनी हुई है। तो इस तरह के सिलसिले को हम महदूद सिलसिले कहते हैं, जो जारी हो, जिसका एंड पॉइंट में मौजूद पता ना हो, मालूम ना हो, जिसको हम फाइंड ना कर सकते हो, तो वो क्या होते हैं, गैर महदूद सिलसिले, उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क हमने याद रखना है। और या दूसरे अंदाज में इसकी आखिरी टर्म दी होती है, लास्ट टर्म, आखिरी रकम, इसकी आखिरी रकम मौजूद होती है और इसकी आखिरी नो लास्ट टर्म आखिरी रकम मौजूद नहीं होती। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट की मैंने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की। तो इसको आप तारीफ भी बना सकते हैं कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी आखिरी रकम मौजूद हो वो महदूद सिलसिले होते हैं, जिसकी आखिरी रकम मौजूद ना हो वो गैर महदूद सिलसिले होते हैं। तो इस मिसाल से, इस एग्जांपल से हम इसकी तारीफ भी बना सकते हैं। तो ये बातें सीखने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जोज नंबर 1 है, ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 3। इसमें उसने कहा है कि दज जेल की पहली 3 टर्म्स मालूम करें, 3 रकमें मालूम करें। तो इसके लिए हम एन की जगह 3 तक नंबर पुट कर देंगे। पुट एन इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। उर्दू में अगर लिखना है तो n इज़ इक्वल टू 1 2 3 दर्ज करने से। ये उर्दू मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए, इस तरह भी करना चाहे वैसे कर सकता है। तो पहले हम n 1 दर्ज करेंगे, फॉर n इज़ इक्वल टू 1, n 1 पुट करें, a 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4, फॉर n इज़ इक्वल टू 2, तो a 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, फॉर n इज इक्वल टू 3, तो a 3 इज इक्वल टू, n की जगह हम 3 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास 6 आ गया। तो इस तरह ये पहली 3 जो टर्म्स थी हमने सीक्वेंस की फाइंड कर ली। n 1 a 1 हमारे पास ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी फर्स्ट 3 टर्म जो है, पहली 3 रकमें मालूम करें, रकूम मालूम करें, वो हमने फाइंड कर ली। इस तरह हम मज़ीद भी क्वेश्चन चेक करते हैं इसी क्वेश्चन के, इसका पार्ट नंबर 4। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ए एन इज़ इक्वल टू एन प्लस 1 ओवर 2 एन प्लस 5, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, फॉर n इज इक्वल टू 1, n को 1 दर्ज किया, a 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 5, ये 2 2 प्लस 5 और 2 ओवर कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया n 1 के लिए। अब इस तरह n 2 के लिए हम देखते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 2, a 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर
टू इंटू टू प्लस वन, ये हमारे पास थ्री आ गया, फोर प्लस फाइव थ्री ओवर नाइन, ये दूसरी टर्म आ गई हमारे पास। इसी तरह फॉर एन इज इक्वल टू थ्री, थ्री दर्ज कर देंगे, थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस वन ओवर टू इंटू थ्री प्लस फाइव, ये फोर आ गया और ये सिक्स प्लस फाइव और ये फोर ओवर अलेवन। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसमें भी तरीकाकार वही है, लेकिन ये सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट उसमें फ़र्क है, तरीका वही है। मज़ीद हम एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू ए एन माइनस वन, जबकि ए वन की जो ए वन की कीमत जो है वो वन दी हुई है, और ए वन हमें पता है कि इसको हम पहली रकम को कहते हैं या फर्स्ट टर्म को कहते हैं। अब उस इसमें भी पुट करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू वन टू एंड थ्री फॉर एन इज इक्वल टू वन। एन अगर हमारे पास वन हो तो इसमें दर्ज करेंगे ए वन इज इक्वल टू वन प्लस वन, जहाँ जहाँ है ना वहाँ लगा देंगे वन। हाँ, ए ए वन यहाँ पे फाइंड नहीं करेंगे हम, उसकी वजह क्या है कि क्योंकि ए वन तो हमें दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे टू से स्टार्ट करेंगे। मैंने इसलिए ये दर्ज किया था ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे वन हम दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि ये इसकी एक टर्म तो हमारे पास मौजूद है वन वाली, तो फोर भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक टर्म मौजूद है। तो अब हम एन टू के लिए चेक करेंगे इसको, एन कितना है, ये टू आ गया, टू प्लस टू माइनस वन थ्री इंटू ए वन, ए वन हमें दिया हुआ है वन, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास थ्री। फॉर एन इज इक्वल टू थ्री, ये थ्री, ये थ्री प्लस वन और ए थ्री माइनस वन, फोर मल्टीप्लाई बाय ए टू, और ए टू हमने मालूम किया वो है तीन, ये आ जाएगा ट्वेल्व। तो इस तरह हमने नेक्स्ट टू टर्म मालूम कर ली, ए वन तो हमारे पास अंडरस्टूड गिवन था। अगर इस तरह की टाइप के क्वेश्चन हो वो भी आपने करने हैं, अगर इस टाइप के हो वो भी करने हैं, वो भी। ये कुछ सैम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं और बाकी क्वेश्चन आपने कोशिश करनी है कि इसको खुद किया जाए ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टाइल पता चल सके। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने स्टूडेंट खुद करने हैं, और मुझे अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आपने बताना है। इसके तीन क्वेश्चन मैंने डिफरेंट टाइप्स के कर दिए हैं, बाकी इसके क्वेश्चन बचते हैं तकरीबन नाइन है, तो सिक्स बचते हैं, वो सिक्स आपने खुद करने हैं। अगर मुझे बताना है, अगर मसला हो कमेंट्स में बताना है, फिर हम इसको सॉल्व दोबारा कर लेंगे। और अभी तक जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में कहा है दर्जे सिलसिलों की निशानदेही की गई रकम मालूम कीजिए। अब इसमें जो लास्ट टर्म दी हुई है वो हमने देखना है क्या है, अब ए एट हमने मालूम करना है, यहाँ पर आठवीं टर्म मालूम करनी है, एक दो तीन चार टर्म दी हुई है, हमने इसकी आठवीं टर्म बतानी है वो क्या होगी। तो आठवीं टर्म चेक कर लेते हैं हम, इसकी 7.1 जो है उसकी आठवीं टर्म क्या होगी, वो हमें देखना पड़ेगा कि इनमें कितना फ़र्क आ रहा है, वो हम उसके मुताबिक चेक करेंगे फिर।
अब देखिए स्टूडेंट, ये टू के बाद सिक्स कितना डिफरेंस आ गया आपको? चार आ गया, इसके बाद आगे पाँच आ गया, यानी कि टू इंटू वन, फिर आ गया हमारे पास टू टू इंटू थ्री, तो ये सिक्स आ गया। फिर ये उसके बाद फ़र्क हमने देखना है कितनी रकमें ऐड हो रही हैं। इसमें पहली जो है वो टू है, टू में ज़ीरो ऐड हो रहा है, ज़ीरो। फिर यहाँ पे कितने का फ़र्क दोनों में आ गया? यहाँ पे आ गया फोर का, फिर आगे फाइव का, फिर आगे सिक्स का। अब देखें, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, टू प्लस ज़ीरो, फिर टू प्लस फोर, फिर टू प्लस ये नेक्स्ट से नेक्स्ट हमने ऐड करनी है। टू प्लस ज़ीरो, टू प्लस सिक्स, फिर उसके बाद ये सिक्स बन गया, फिर सिक्स प्लस फाइव, फिर अलेवन प्लस सिक्स। देखिए बन रहा है ना, ये टू है, ये सिक्स है, ये अलेवन है, ये सेवनटीन है। अब सिक्स आ गया, नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेवनटीन प्लस सेवन, ये कितना हो गया? ये 23 हो गया। अब साथ साथ हम इसकी ये टर्म्स भी आगे लिखते हैं, ये टू है, सिक्स है, अलेवन है, सेवनटीन है, और ये 23। अब नेक्स्ट है 23 प्लस एट, ये आ गई हमारी फाइव सिक्स। 23 प्लस एट कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया, ये 31 आ गया, 31। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है 31 प्लस नाइन, ये आ गया 40। और ये कितना आ गया? एक दो तीन चार पाँच छः सात, और इसके आगे क्या आएगा? 40 प्लस, सॉरी, ये 40 आ गया, 40 में ये आ गया था 31, नाइन, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव सिक्स सेवन। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आ गया ये 40, 40 प्लस, ये 40 नहीं है सॉरी, ये 40 बना, 40। पहला है टू प्लस ज़ीरो, फिर आगे है टू प्लस सिक्स, फिर सिक्स प्लस फाइव, फिर ये अलेवन प्लस सिक्स, फिर ये 17 प्लस 7, ये हमारे पास 23 आ गया, फिर 23 प्लस 8, ये 31 आ गया, 31, उसके बाद प्लस 10, तो ये हमारे पास आ गया 50। यहाँ पे आठवीं टर्म जो हमारे पास 50 बन रही है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो आठवीं टर्म यहाँ पे क्या बन रही है? 50 बन रही है। लेकिन मज़ीद हम इसको देख लेते हैं कि आठवीं टर्म जो है वो कितनी बन रही है। आठवीं टर्म हमारे पास जो बन रही है वो 2, और ये हमारे पास 6 आ गया, और ये कितना आ गया? 11। 11 के बाद, 11 के बाद हम चेक करते हैं इसको, स्टूडेंट यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे, तो यहाँ पे हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि हर अगली टर्म में हम क्या करेंगे, जो उसका डिफरेंस है वो ऐड करते जाएंगे। टू प्लस ज़ीरो, फिर ये कितना टू है, टू में हमने फोर, फिर सिक्स आया, सिक्स में हमने फाइव, फिर एलेवन आया, एलेवन में हमने सिक्स, फिर सेवनटीन आया, सेवनटीन में सेवन, ये अगला नंबर हमने ऐड करते जाना है। 24 है, 24 में एट, फिर
फिर 32 आया, 32 में 9, फिर हमारे पास 41 आया, 41 में हमने 10 ऐड कर दिया। तो इस तरह ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई जो उसने कहा था नेक्स्ट इसकी टर्म जो है वो फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये नेक्स्ट जो उसने कहा था A8 फाइंड करें, तो हमारे पास जो A8 बनती है वो ये टर्म बनती है A8। इस तरह ये 7 फाइंड करना है, तो उसमें ये है इसमें सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जो आंसर आया 1, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया जो आंसर आया 3, 3 को फिर 4 से किया आंसर आया 12, 12 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 60, 60 को फिर 6 से मल्टीप्लाई किया। ये देखें 1, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे इसकी सीक्वेंस बनती 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह हमारे पास जो लास्ट टर्म इसको मल्टीप्लाई करने से आया 2160A7 टर्म है। तो इसी तरह अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है तो हमने ऊपर देखना है, ऊपर 1, 2 है, नीचे 1 का फ़र्क ऊपर है, नीचे 2 का फ़र्क है। 1, 2 के आगे 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, फिर आगे 4 आएगा, 4 फिर 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, फिर आगे 5 आ जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। तो ये जो लास्ट वाली हमारे पास सीक्वेंस है ये क्या है, A5 है जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सारे स्टूडेंट खुद करने हैं। जो पार्ट्स के रह गए हैं वो सारे आपने खुद करने हैं। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 में ये पूछा गया है मदज्जा सिलसिलों में अगली 4 रकूम जो है, जो इससे आगे नेक्स्ट 4 टर्म्स जो है वो हमने फाइंड करनी है, 12, 16, 21, 27। हमने इस सीक्वेंस को देखते हुए ऑब्जर्व किया कि अगर हम 4, 5, 6 जो है वो ऐड करें नेक्स्ट टर्म्स में, 4, 5, 6 को पहली, दूसरी और तीसरी टर्म में जमा करें तो हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म जो है बन जाती है। जैसे 12 है, 16 है, 4 का डिफरेंस आ गया, फिर उसके बाद देखें ये कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, फिर उसके बाद ये देखें 6 का आ रहा है, उसके बाद 7 का आ रहा है, फिर 8 का आ रहा है, 9 का आ रहा है, इसी तरह ये चलता जा रहा है, ये डिफरेंस हमारे पास चलता जाएगा। ये 42 में हम 9 ऐड करेंगे, फिर अगर 10 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सारी टर्म्स बनती जाएगी। यहाँ से आपने ये डिफरेंस याद रखना है, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसमें फ़र्क क्या आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसका फ़र्क बना लिया। ये देखें इसके आगे जो है वो 4 का डिफरेंस है, इसके आगे फिर देखें 5 का है, फिर इसके आगे देखें ये 6 का है, इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। और हमारे पास ये 4 टर्म्स तो दी हुई हैं, ये वाली है गिवन है, नेक्स्ट हमने ये 4 इस तरह फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखते हैं, 1, 3, 5, 15, 31। इसमें इस सीक्वेंस से हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट जो है जो हमारी टर्म बनती है फाइनल, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आया हमारे पास, इसको 2 से, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करना है। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 1 ऐड कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। सीक्वेंस के मुताबिक जो हमने ऑब्जर्व किया या मुशाहदा किया कि हमें हमारी जो नेक्स्ट टर्म्स कैसे हमें मिलेगी, तो फिर कितना आ गया 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया उसमें फिर नेक्स्ट हमने 1 ऐड कर दिया, 15 आ गया। इस तरह हम चलते जाएंगे और हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी वो इस टाइप की होगी। तो ये नेक्स्ट 4 हमारे पास टर्म्स बन जाएगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का, 4, 8, 12, 16। अब देखें यहाँ पे ये 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 4 का आ रहा है, फिर 4 का आ रहा है, इसका मतलब इससे अगली टर्म क्या होगी, 20 होगी, इससे अगली 24, इससे अगली 28 और 32 होगी। इस तरह इसको हम सॉल्व कर देंगे, जारी कर देंगे। तो ये बाकी जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट आपने खुद करने हैं, इसके पार्ट जितने भी बचे हैं हमारे पास। तो ये सीक्वेंस जो है, सिलसिला जो है, अदाद का सिलसिला,
इसको करने से पहले ये ऑब्जर्व करना है कि हमें सीक्वेंस कैसी दी गई है, फिर आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज़ ये समझ नहीं आएगी आपको, ये बाकी क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो करने से पहले आपने मेरे जो किए हुए क्वेश्चन उनके ऊपर गौर करना है, ताकि बाकी क्वेश्चन करने के लिए आसानी हो। और जो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो बाकी क्वेश्चंस में तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।